आज हम लोग देखेंगे सिविल के बारे में। देखिए सिविल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दो रीजन की वजह से। ओके नंबर एक आप इसका देख सकते हैं कि उद्देश्य। ओके इस तरह के जो ठरकी लोग हैं जो कहते हैं मनी है तो हनी है। ओके तो ये मनी कहाँ से आती है? ये व्यक्ति है ये लोन लेते हैं। ओके लोन किससे लेते हैं? बैंक से लेते हैं। लेकिन ये बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? ओके बैंक के पास कोई नोट छापने की मशीन तो है नहीं जो बैंक ऐसे नोट छाप करके इन लोगों को देती है, बल्कि बैंक होती है वो आम लोगों से पैसे लेती है। हम लोग बैंक में जाकर के जमा करते हैं, वही पैसा इन लोगों के लिए लोन के रूप में दिया जाता है। तो ये पैसा है लोगों की खून पसीने की कमाई है, और देखो ये ऐसे अय्याशी करके उड़ाते हैं। तो यहाँ पर ही सिविल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हमारे पैसे को सुरक्षित बनाती है। आम लोगों का पैसा है वो सुरक्षित बनता है। ओके ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ बता दूं, इस व्यक्ति को कौन नहीं जानता। ओके हर व्यक्ति इससे परिचित होगा, आप लोग अगर नहीं जानते तो कमेंट करिए। ओके जब मैं इसके बारे में देख रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, ये लोन लिया और इसकी इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी थी वो क्यों डूब गई? क्योंकि इसका ध्यान और कहीं रहता है, इसका कंपनी पर तो ध्यान ही नहीं हुआ। देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, अब इसके नीचे का नहीं दिखा सकते, स्क्रीन शॉट है क्योंकि बहुत भयानक है। अब ये देखिए ये बंदा मतलब अकेले तो कभी रहता ही नहीं है, और हद तो तब हुई जब मुझे पता चला इस वाली पिक में आप देखेंगे कि एक बेब है साथ में गर्लफ्रेंड और पत्नी एक साथ इनके साथ अय्याशी कर रहा है, और बहुत सारी और लोग भी यहाँ पर इनकी डॉटर भी हैं। ओके तो ये बंदा है ना ये इस जमाने का है ही नहीं, इसका जन्म हुआ 20वीं शताब्दी में और ये जो जी रहा है ना वो 21वीं शताब्दी में जी रहा है, लेकिन ये बनता है 22वीं शताब्दी का, भगवान ने इसको पहले ही थोड़ा भेज दिया। तो ऐसे लोग हैं जो अय्याशी करते हैं, ओके हम लोगों का पैसा ऐसे बर्बाद करते हैं, तो बर्बाद ना हो। यहाँ पर सिविल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा। और साथ में दूसरा रीजन है सिविल का इम्पोर्टेंट हो जाने का, ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। एक इसी तरह जैसे सिविल है इसी तरह एक और एजेंसी है, इसकी स्थापना की गई है, तो इसने इसका विरोध किया है। क्या किया है? विरोध किया है। अब ये विरोध क्यों किया है ये जानना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा। ओके और साथ में आपको ये भी अप्रोच पता चलेगा, ये देखिए पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन ये मेंस के लिए उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस तरह की जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी हमें स्थापना करनी है, लेकिन बड़ी कंपनियां हैं वो इसका विरोध करती हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप सिविल देख सकते हैं इसकी स्थापना बहुत पहले हुई, लगभग में 20 साल पहले स्थापना हो चुकी है, तो एक नई एजेंसी खुली है उसका क्यों विरोध कर रही है, ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स बाई आरजी सर, और ये हमारा पार्ट है 3rd पार्ट है। ओके तो चलिए आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सिविल से। देखिए आज मुझे काफ़ी कोल्ड हो गया 2 दिनों से, इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, आवाज़ मेरी ठीक से नहीं निकल रही थी, लेकिन आज मैंने कोशिश किया है, फिर भी काफ़ी बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, मैं इसे सप्रेस करने की कोशिश करूंगा एडिटिंग के टाइम। ओके तो आज मैं थोड़ा हल्के हल्के पढ़ाऊंगा, लेकिन काफ़ी स्टोरी के साथ इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आज आपको पढ़ाऊंगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए सिविल है, इसके सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको जानना भी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ओके आज मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि गला एकदम बैठा हुआ है। ओके सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, सिविल क्या है। तो सिविल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। देखिए क्रेडिट का मतलब तो जानते ही हैं रेट। ओके रेटिंग का मतलब जैसे रेटिंग देते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो रेटिंग का मतलब जानते हैं आप लोग भी देते हैं, जैसे बहुत सारी ऐप होती है तो उन पर भी, अब तो अमेजन से शॉपिंग करते हैं उस पर भी रेटिंग दी जाती है हर प्रोडक्ट को। ओके और एजेंसी का मतलब होता है कंपनी। ओके अब देखिए हम लोगों का पैसा कैसे सुरक्षित बनाती है कि इन लोगों के पास ना जाए, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बैंक है और ये विजय माल्या टाइप का एक एक्स व्यक्ति है। ओके इसने बैंक से लोन लिया। ओके अब इसने इसको लोन लिया तो लोन लिया अब इसको 1 करोड़ मानते हैं लोन दे दिया, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए लोन दे दिया, लेकिन अब इसने लोन लौट डाला ही नहीं, इसको जो कमिटमेंट की गई थी कि इतना इंटरेस्ट, जैसे बैंक है बैंक जब लोन देती है तो लोन क्यों देती है, वो अपना लाभ कमाने के लिए देती है ना। लाभ कैसे होगा? जब ये व्यक्ति इसको ब्याज देगा प्लस जो पैसा दिया गया 1 करोड़ वो भी रिटर्न करेगा, तभी तो खाली ब्याज दे दिया और ये पैसा रिटर्न नहीं किया तो लाभ कैसे हो जाएगा। ओके तो
जो ब्याज होता है यही बैंक का लाभ होता है। ओके, और जो पैसा दिया 1 करोड़, ये किसका है? आम लोगों का है, आम लोगों का है। अभी व्यक्ति था विजय माल्या टाइप का, इसने 1 करोड़ रुपए लेकर के गबन कर लिया और लौटाला नहीं। अब मानते हैं एक और कंपनी है, एक और बैंक है, मानते हैं हमारी एक क्लब बैंक है। अभी व्यक्ति बड़ा चालाक था, इसने सोचा अब ये वाली बैंक तो हमको देगी नहीं क्योंकि इसके पास जानकारी है, हम जाते हैं दूसरी बैंक में, जाते हैं यहाँ पर एक खाता खुलाते हैं और इस बैंक से कहते हैं कि हमको 1 करोड़ रुपए। ये एक्स व्यक्ति दोबारा से गया बैंक में। ओके, अब ये बोला कि 1 करोड़ हम यहाँ से भी ले लेते हैं क्योंकि ये तो दूसरी कंपनी, इसके पास कहाँ से जानकारी होगी। ओके, तो ये लोन ले लेते हैं। अब भैया हम तो सोचेंगे बंदा अच्छा 1 करोड़ रुपए लेने आया, हम तो दे देंगे, हम क्यों दे देंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें ब्याज मिलेगा। ओके, इससे हमारा लाभ होगा। ओके, और साथ में जो हमने 1 करोड़ दिया है वो भी हमारा रिटर्न हो जाएगा। अब 1 करोड़ था ये आम जनता का पैसा, डूब चुका था। अब दोबारा से इस क्लब बैंक में भी किसका रुपया होगा? आम लोगों का होगा ना, तो ये पैसा किसका है? आम लोगों का है ना, तो ये फिर से डूब गया ना। अब ये नहीं डूबता, यहाँ पर अगर मुझे पता होता कि ये व्यक्ति है, ये डिफॉल्टर है, ओके, ये व्यक्ति है, ये ठीक नहीं है, पैसे नहीं लौटा लेगा, तो यहाँ पर ही एक रोल प्ले करता है जो ब्रिज का काम करता है सभी बैंकों में। जैसे भारत में जितनी कार्यरत बैंकें हैं उनमें एक ब्रिज का काम करता है जो हमें बता सके कि ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ये डिफॉल्टर है। कौन बताएगा? तो यही सिविल बताती है, सिविल बताती है। ओके, सिविल क्या है? एक वेबसाइट बना देगी। देखिए ध्यान से सुनिए, वेबसाइट। अब ये व्यक्ति जब हमसे लोन लेने आएगा और हमारे पास अगर एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर हम, क्योंकि जब लोन लेते हैं ना तो ये अपने आईडी प्रूफ देता है, बहुत सारी चीजें देगा, तो हम इसका नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पता डालेंगे, तो हमें पता चल जाता कि इसने पहले ही एक बैंक से लोन लिया है 1 करोड़ और वो लौटाला नहीं। तो हम जब ये पैसे लोन लेने के लिए जब आएगा तो अप्लाई करेगा तो हम वो उसको पास नहीं करेंगे, मतलब वो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो 1 करोड़ रुपए बच जाएगा ना। तो आप समझ गए ना, इसी तरह जो सिबिल है वो रोल प्ले करती है। अब वो कैसे रोल प्ले करती है? सिबिल है, इस व्यक्ति को रेटिंग देती है, इसीलिए इसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं। ओके, रेटिंग देती है, लेकिन रेटिंग कैसे देती है? वैसे तो ये 900 अंक में देती है। कितने अंक में? 900 अंक में। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, 100 अंक। जैसे कि आप भी हैं, आपको जैसे मैं टास्क देता हूँ, अगर आप अच्छे से टास्क को कंप्लीट करते हैं, टेलीग्राम पर हमारे शेयर करते हैं, तो मैं आपको अच्छे नंबर दूंगा ना, अच्छी रेटिंग दूंगा ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मैं खराब रेटिंग दूंगा, नंबर कम मिलेंगे। तो इसी तरह जब देखिए लोन दिया जाता है तो इससे कहा जाता है कि आपको हर महीने मानते हैं 1,000 रुपये ब्याज देना है। तो अगर ये व्यक्ति टाइम पर, जैसे टाइम पर अपना ब्याज भरता रहेगा, टाइम पर जो भी इसको पैसे लौटाने हैं वो देता रहेगा। ओके, अगर नहीं दे पा रहे तो एक अपनी जानकारी देगा कि इस महीने हम नहीं दे सकते, अगले महीने दे देंगे। तो इसके जो मार्क्स होंगे मतलब जो रेटिंग है वो हाई हो जाएगी। लेकिन ये व्यक्ति डिफॉल्टर है, विजय माल्या टाइप का, ये पैसा ही नहीं लौटा डाला, तो इसका जो सिविल स्कोर है, जो सिविल स्कोर है ये कम होता जाएगा। जैसे जैसे कम होता जाएगा, जितना ज्यादा कम हो जाएगा उतना भविष्य में इस व्यक्ति को, एक्स व्यक्ति को लोन लेना महंगा हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ गए ना। अब जैसे 900 अंक में से इस व्यक्ति के सिर्फ 100 अंक बचे हैं, 100 अंक बचे, और जो अंक होते हैं ना मानते हैं 100 अंक है। ओके, इसी के लिए एक कौन दे रहा है? सिविल दे रहा है ना इसको, इसीलिए इसको सिविल स्कोर के नाम से जानते हैं, सिविल अंक के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब 100 अंक बचे, 900 में से 100 अंक बचे, मतलब कम हो गए क्योंकि ये डिफॉल्टर था, ये पैसे नहीं लौटा लाता। तो भविष्य में जब ये हमारे पास लेने आएगा लोन, क्लब बैंक के पास लोन लेने आएगा, तो हम वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे इसका स्कोर, स्कोर जैसे देखेंगे भैया इसका स्कोर 900 में से 100 ही रह गया है, ये बंदा है, ये ठीक बंदा नहीं है। ओके, इस बंदे को पैसे नहीं देने चाहिए, तो हमारे पैसे बच जाएंगे, ना केवल हमारे पैसे बच जाएंगे, देखिए हमें घाटा होता वो भी ठीक है, साथ में इन लोगों का पैसा डूबता वो भी नहीं डूबेगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो आप लोग समझ गए किस तरह से। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आएगा। अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, देखिए मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट होते हैं हिस्टोरी के फॉर्म में समझाता हूँ, तो आप कभी भी नहीं बोलने वाले। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक रेटिंग एजेंसी है, किसके बारे में देती है? रेडिंग के बारे में देती है, मतलब क्रेडिट जो रेड होता है उसके लिए रेटिंग करती है। इसकी स्थापना कब? अब देखिए इसकी स्थापना 2000 में हुई, लगभग में 20 साल पहले हुई। ओके, 2000 में हुई, किसने की? एक अमेरिकी कंपनी ने की। ओके, यानी कि ये भारतीय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और वो कौन सी अमेरिकी कंपनी थी जिसने सिबिल की स्थापना की, तो आपको ध्यान रखना है ट्रांस यूनियन अमेरिकन कंपनी। ओके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके कार्य क्या है, कार्य तो आप आराम से बता सकते हैं, मैंने स्टोरी सुनाई तब भी आप लोग अगर याद नहीं रखेंगे ना फिर भी आराम से बता देंगे। इसके कार्य की प्रत्येक ऋण, जो लोग ऋण लेते हैं, कोई भी व्यक्ति ऋण लेगा तो उसकी सारी जानकारी, जो संपूर्ण जानकारी अपनी वेबसाइट पर रखेगी। ओके जैसे कि कौन कौन सी जानकारी, जैसे कि ऋण की राशि, कौन से साल में लिया गया, जन्म तिथि, ओके डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, पता, पिता का नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ रखेगी, मोबाइल वोबाइल नंबर। ओके अब क्या होगा भविष्य में, जैसे अब इसने एक बार ऋण ले लिया, ओके ऋण ले लिया, अब देखिए किसी किसी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसलिए भी आ जाती है, देखिए सिविल स्कोर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल स्कोर, ओके ये 900 होता है, 900 होता है, लेकिन आपने अगर कभी भी ऋण नहीं लिया है ना तो सिविल स्कोर आपका 0 होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब विजय माल्या से भी बड़े वाले हैं। ओके इसका मतलब है कि आपने अभी तक एक भी बार लोन नहीं लिया है। ओके तो उन लोगों का स्कोर 0 दिखाया जाता है। ओके अब देखिए ये सारी जानकारी रखती है और रेडी की साग तय करती है, साग का मतलब होता है रेटिंग, साग का मतलब होता है रेटिंग। अब देखिए ये चीजें इसीलिए जानना जरूरी हो जाता है, आप पेपर में साग दे देता ओके रेटिंग देता ही नहीं तो आप लोग कहते यार ये साग क्या होता है, खाने वाला साग तो नहीं होता है। ओके तो आपको इसीलिए जानना चाहिए। ओके अब देखिए इसी के आधार पर निर्धारित करती है कितने अंक में से देती है, 900 अंक में से देती है, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति इसने फर्स्ट टाइम जब लोन लिया तब सिविल ने इसकी सारी जानकारी ले ली होगी और उसी आधार पर जैसे ये पैसे रिटर्न कर रहा होगा, अपना ब्याज टाइम पर दे रहा होगा, उसी आधार पर या जो सिविल स्कोर है वो बेहतर रहता है। अगर आपको टाइम पर एकदम एक्यूरेट टाइम पर आप लोग पैसे पे कर रहे हैं, एक्यूरेट टाइम पर आपको जो भी आपसे वादे किए गए थे वो पूरे कर रहे हैं, तो आपके अंक है वो हाईली रहेंगे, मतलब 900 के करीब रहेंगे, तो भविष्य में आपको दोबारा से लोन लेने की जरूरत पड़ी तो कोई भी बैंक आपको खुशी खुशी देगी कि भाई एक ही बार में आपका पास कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कम होगा ओके 700 हो गया, 600 हो गया, ओके तो आपको कठिनाइयां आएंगी, आपको ज्यादा लोगों को ले जाना पड़ेगा, साथ में आपको कुछ गिरवी के रूप में रखना पड़ेगा कि भाई ये रख लो, आप जांच ज्यादा की जाएगी। ओके तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले भाई ऐसा क्या हो गया था कि आप पैसे रिटर्न नहीं कर पाए थे। ओके तो जो बैंक होगी वो थोड़ा कंसर्न हो जाएगी और सतर्क करते के साथ आपको लोन देगी। ओके अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक भी बार लोन ले लिया तो उसके ऊपर तो भाई उसकी तो कोई भी जानकारी होगी नहीं, तो उसको 0 अंक दिया जाता है, उसका 0 अंक होता है, जिसका 0 अंक होता है सिविल स्कोर, जिसका 0 होगा तो मान लीजिए उस व्यक्ति ने कभी भी लोन नहीं लिया है। जैसे आप यहाँ आपने अभी तक बैंक से लोन नहीं लिया होगा तो आपका सिविल स्कोर जब आप यहाँ पर अपनी जानकारी डालेंगे तो आपका सिविल स्कोर 0 दिखाया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप से वाले से बड़े वाले हैं। ओके समझ गए आप, वरना आप लोग कहेंगे सर हम भी अपना चेक करवाते हैं, हमारे कोई जान पहचान कहे तो कहेंगे सर हमारा तो 0 आया, क्या हम पैसे लिए लौट ले नहीं। ओके तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे अगर 900 अंक में से किसी भी रेडी के जो सिविल स्कोर है वो 700 से कम होगा, 700 तक है तब तक ठीक है, लेकिन 700 से जैसे ही कम होने लगेगा तो भविष्य में उसको ऋण लेना मुश्किल हो जाएगा। ओके तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप लोग समझ गए। इसके उद्देश्य आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी अच्छे से आपको बताया भी था कि ऐसे जो डिफॉल्टर टाइप के लोग होते हैं उनसे हमारा पैसा सुरक्षित बनाती है और बैंकों को इंश्योर करती है कि भाई आप इसको पैसे मत दीजिए, इसको दे सकते हैं इसको। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसका सिविल स्कोर, उसने 2-3 बार ऋण लिया और उसने टाइम पर पे किया, उसका सिविल स्कोर 900 के अंक के पास में है, मतलब 900 के पास में, तो बैंक होगी बिना ज्यादा फॉर्मेलिटी के नहीं फिर से वो लोन दे देगी। जैसे किसी व्यक्ति ने 3 बार लोन लिया और उसका फिर भी 3 बार लोन लेने के बाद उसका सिविल स्कोर 900 के पास में है, जैसे कि 850, 860, 870 है, तो अगर वो एक्स बैंक के पास जाता है तो उसको आराम से ज्यादा बिना ज्यादा फॉर्मेलिटी के कि इतना ई कागज लेके आओ, ये कागज लेके आओ, इसके बिना भी बैंक आराम से उसको लोन दे देगी, उसका लोन पास हो जाएगा। ओके तो आप लोग भी अगर भविष्य में कभी लोन लेते हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग टाइम पर पे करते रहें। ओके लोन लेना बेकार नहीं है लेकिन उसको ना लौटाना गलत बात है। ओके अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पब्लिक क्रेडिट जो रजिस्ट्री है इसकी, और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, जब ऑलरेडी हमारे पास सिविल थी जो सभी की जानकारी रखती थी तो हमें इसी तरह की सेम एक एजेंसी की क्यों आवश्यकता पड़ी, हमने इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट क्यों किए।
आप यहाँ पर देख सकते हैं एक किस तरह की कंपनी है, मैंने आपको बताया एक ये अमेरिकी कंपनी है, ओके विदेशी कंपनी है, लेकिन आरबीआई ने एक भारतीय कंपनी की स्थापना की। किस तरह की भारतीय कंपनी की? एबी क्या है? एबी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसी तरह सेम इसके कार सब कुछ सेम ही है, ओके। तो ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे रेडी होता है उनको भी ये स्कोर देती है, मतलब रेटिंग करती है कि किसी का अच्छा है किसी का बेकार है, तो सेम एस इसी की तरह है, ओके। तो कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए, जैसे कि किसकी समिति के आधार पर किसने सुझाव दिया था पब्लिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या फिर किसी भारतीय रेटिंग एजेंसी की स्थापना के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बायम दिवस के लिए इन्होंने सुझाव दिया था कि एक हमें भारतीय निकाय की भी स्थापना करनी चाहिए। और ये देखिए अब इसका विरोध क्यों किया ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए ये है ना पब्लिक रेटिंग एजेंसी है ना जो भारतीय वाली, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेडी की जानकारी रखेगी, साथ में उसके दो प्रभाव को और जोड़ देगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करके प्रभाव को जोड़ देगी। अब देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करके प्रभाव को जब जोड़ देगी तो सटीकता से हमें जानकारी मिल पाएगी व्यक्ति का, क्योंकि जो टैक्स होता है जो देखिए टैक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो व्यक्ति की इनकम होती है उसकी बचत होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये इसका जो आंकड़ा होगा ना उससे ज्यादा सटीक होगा पब्लिक क्रेडिट जो रजिस्ट्री है इसका जो भारतीय वाली है इसका ज्यादा सटीक होगा। साथ में जो हमारी भारतीय एजेंसी है ये नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसी है? नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, ओके। अब देखिए सिविल है एक एक निजी इकाई है, एक विदेशी कंपनी है, ये किसके लिए काम करती है? लाभ के लिए काम करती है। अब कोई भी बैंक इसकी सिविल की वेबसाइट पर जाती है तो जब वो किसी भी व्यक्ति की जब जानकारी देती है, ओके जानकारी लेती है, तो बैंक के लिए कुछ पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ पे करना पड़ता है, ओके, जिससे इसकी इनकम होती है। लेकिन ये नॉन प्रॉफिट है, ओके, ये लेस देन अमाउंट पर लोगों के लिए मतलब बैंक के लिए ये सर्विस देगा। अब तो कोई भी व्यक्ति है, जैसे हमारी बैंक है क्लब बैंक है, अब मैं सिविल पर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? सिविल पर जा रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ और मेरे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ मेरे सिर्फ 10 रुपए खर्च हो रहे हैं और यहाँ पर मुझे जो आंकड़े मिल रहे हैं वो ज्यादा सटीक है, जो भारतीय निकाय है यहाँ पर आंकड़े वो ज्यादा सटीक है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? मैं पागल थोड़ी ना हूँ, सिविल पे जाऊँगा, मैं अपनी भारतीय एजेंसी पर जाऊँगा, यहाँ पर ना जो आंकड़े हैं वो भी सटीक है और दूसरा मुझे कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं। इसीलिए सिविल इसका विरोध कर रहा है कि भाई इसकी स्थापना नहीं की जानी चाहिए, हमारा क्या होगा, हम इतने सालों से आपके देश को सर्विस दे रहे हैं और आप अचानक में आकर के कैसे एजेंसी की स्थापना कर दी, हमारा वापिस इसमें पड़ जाएगा, क्योंकि अंधेरे में पड़ जाएगा, तो इसीलिए इसका विरोध कर रही है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, देखिए एक निजी इकाई है, इसकी स्थापना की है आरबीआई ने। किसने स्थापना की है? आरबीआई ने। ये देखिए हमारे देश की आर्थिक क्रियाएं हम लोगों के अंडर में रहनी चाहिए, कोई विदेशी व्यक्ति, अब देखिए ये विदेशी निकाय ये किसी का स्कोर कम ज्यादा भी तो कर सकता है, हो सकता है कोई कॉर्पोरेट हो, ओके बिजनेसमैन बड़े बड़े हो, उनको उनकी रेटिंग अपने मन से कम ज्यादा कर दे, जैसे विजय माल्या है, ओके अब ज्यादा फंडिंग करते हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति था वो, ओके उसका स्कोर वो कम ही ना करे, ओके तो बैंक के लिए सटीकता से कैसे जानकारी मिलेगी? यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है ना, पारदर्शिता की कमी है ना, पारदर्शिता की कमी क्यों है? क्योंकि एक निजी निकाय है, एक प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए यहाँ पर पारदर्शिता की कमी है। लेकिन हमारी आर्थिक क्रियाएं वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए ना, हमारे लोगों के पैसे की बात है तो हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता होगी। और दूसरा एक भारतीय निकाय होना चाहिए ना, देखिए सब कुछ आत्मनिर्भर भारत चल रहा है तो हम किसी विदेशी निकाय पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें अपनी संस्थाएं ओपन होनी खोलनी पड़ेंगी, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हैं कि अगर इसका विरोध भी हो रहा है फिर भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अपनी एजेंसियां हैं वो ना खोलें, भारतीय एजेंसियां ना खोलें, हमें अपने इधर देखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि एक आर्थिक मामला ऐसा होता है जहाँ पारदर्शिता की जरूरत होती है और वो सरकार के अंडर में होना चाहिए, सरकार के या फिर राज्य के अंडर में होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से आप अपना जवाब बेहतर कर सकते हैं। और देखिए ये वीडियो है यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाती है और मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा देता हूँ।
एक मैं नई सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, बल्कि आज मुझे कोल्ड था थोड़ा, तो अच्छा नहीं लग रहा है इतना। तो इसी तरह स्टोरी के फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस और पीसीएस का सिलेबस, तो मैं इसको भी कवर करूंगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत का संविधान या राज व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी के नाम से आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, इस सीरीज लॉन्च कर दी है, इसके मैंने 7 पार्ट डाल दिए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और एम लक्ष्मीकांत है ये आपको कल से या परसों से मिलने लगेगी, जैसे ही मेरा कोल्ड ठीक होगा, क्योंकि इसकी जो वीडियो होगी थोड़ी ज्यादा लंबी होगी। ओके, तो लेंथी होने के कारण जब मेरा गला अच्छे से ठीक हो जाएगा तभी आप लोगों के लिए मिलेगा। और हमारे चैनल नया है तो इसको सपोर्ट करिए। अगर आप लोग इस वीडियो को और कहीं देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर आकर के सर्च कर सकते हैं क्लब आईएएस एस्पिरेंट, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं क्वालिटी वाई आरजी सर, आप लोग सारी सीरीज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वालिटी वाई आरजी सर है तो आप क्वालिटी की सीरीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स लिखेंगे तो इकोनॉमिक्स वाई आरजी सर लिखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स की सीरीज मिल जाएगी। ज्योग्राफी की आपको 15 डेज के बाद में, आपको 15 दिन के बाद में आपको ज्योग्राफी की भी सीरीज मिल जाएगी। तो 15 दिनों के बाद अगर एक वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग ज्योग्राफी वाई आरजी सर लिखेंगे तो आपको ज्योग्राफी ज्योग्राफी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ ब्रीफ फिनिश करता हूँ।